मेरे साथ अभी हैं सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। महागठबंधन के बारे में इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव अब करीब है, चुनाव का गाइडलाइन भी आ चुका है, यानी चुनाव जो है अब तय सीमा पर ही होगा, तय समय पर ही होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो गाइडलाइन भी चुनाव आयोग का आ गया, तय सीमा में ही चुनाव होगा, तो अब क्या तैयारी? तैयारी तो ऑलरेडी पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में तो तैयारी कर लिए हैं, और उसके अलावा हम लोग भी अभी आएंगे, अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से भी आया है, तो उसके ऊपर हम लोग भी अभी बैठेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द सारा चीज़ क्लियर हो जाए। अब आप लोग चुनाव के लिए मेंटली तैयार हो गए? जब चुनाव होगा तो फिर तैयारी तो करना ही पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा, तो हम चुनाव से कभी पीछे हटे नहीं। खाली हमने, हमारा सुझाव था कि इस समय में चुनाव को कुछ दिन के लिए टाला जाए, पहले जनता का हम लोगों को हिफाजत करना, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी हम चुनाव से कहाँ हम लोग विपक्ष पीछे हटे हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि जल्दी चुनाव हो और जल्दी नीतीश जी का विदाई हो जाए। दो महीना भी नहीं बचे हैं चुनाव में, और महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, प्रक्रिया पे है, बहुत जल्दी सब चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, हफ्ता रोज के अंदर में दिखने जाएगा। आपकी सीटें मिल गई 15-20 दिन पहले, बाकी लोगों के साथ बात क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? बाकी लोगों से भी बातचीत जारी है, और मुझे लगता है कि वो भी हो गए रहेंगे, हमें नहीं जानकारी इस चीज़ का। अगर नहीं हुए रहेंगे तो हो जाएंगे, और हो गए रहेंगे तो आपके बीच में बहुत जल्दी। सदानंद सिंह से कल मेरी बात हुई, वो अभी भी मांग है उनकी कि उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 80 सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, वो इच्छा रख रहे हैं, लेकिन जो सीट का शेयरिंग की बात है तो सब सार्वजनिक नहीं हो रहा है, एक अपने लेवल पे सारे चीज़ हो रहा है। ठीक है, आज हमारी पार्टी से भी किसी से पूछेगा तो किन्हीं को नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ जानकारी हमें है। तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में टॉप नेतृत्व में जो बात होता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी सब चीज़ सबके बीच में आया होगा। तो शक्ति सिंह गोयल जी हैं, तो इन लोगों के ऊपर लेवल पे बात हो रहे हैं, पर तेजस्वी जी के इधर लेवल पे बात हो जाएंगे, जब ठोस हो जाएंगे तो फिर अपने नीचे लेवल पे अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के पदाधिकारी को सब पार्टी अपने जानकारी देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सीट शेयरिंग का जानकारी पूरे पार्टी के लोगों को हमेशा डे टू डे देना चाहिए, जब फाइनल हो जाएंगे तो दिया जाएगा। तो समय कहाँ है, फाइनल कब होगा? उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत क्यों नहीं हो रही? किसने बोला नहीं बातचीत हो रहा है? बातचीत तो हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी चुनाव आयोग भी आ गए हैं आगे, तो हम लोग भी आगे आ जाएंगे। जीतन राम मांझी को भगा दिया आप लोगों ने? हमने तो नहीं भगाया, वो अपने मन से महागठबंधन से बाहर निकले हैं। तो मुकेश सहनी जी, मन से नहीं, मजबूर कर दिया आप लोगों ने। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग आपकी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की भी थी, कांग्रेस की भी थी, मांझी की भी थी। मांझी ने स्टैंड लिया, आप लोग ने स्टैंड नहीं लिया, यही अंतर है। नहीं नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा, देखिए मांझी जी से मेरा कल भी बातचीत हुआ है, मांझी जी नाराज़ हैं, ठीक है, महागठबंधन से निकले हैं, और मुझे लगता है कि देखिए अभी आगे क्या होता है, अभी मांझी जी को विचार करना है। और मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब चीज़ हो ही रहा है, तो फिर ठीक है ना, तो कोई चीज़ को रिडिट हो जाना ये उचित नहीं है। कुछ जगह हमें जनता के लिए लड़ाई लड़ना है, जनता की भलाई के लिए करना है, खास करके हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी विचारधारा है, पिछले शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है, तो वहाँ पे कुछ अपने ईगो को त्याग करना पड़ेगा। कुछ चीज़ में अगर हमारे सहयोगी कंफर्टेबल नहीं है तो उस चीज़ पे हमें भी, हमारा भी बनता है कर्तव्य कि हम पीछे। मांझी को मनाएंगे अभी? अभी ये चीज़ पे तो मेरा व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, बाकी उनको निर्णय लेना है। चाहेंगे कि मांझी अभी भी आए महागठबंधन? क्यों ना चाहेंगे, वो अगर वो आना चाहते तो स्वागत है। बात करना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही आ जाएंगे? अभी गए वो तो आएंगे भी तो वही ना, लाएंगे नहीं? नहीं, लाने वाली बात ऐसा नहीं होगा, जब अगर सब मिलके अगर बात होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आप चाहते हैं तेजस्वी यादव बुलाएं, बात करें? देखिए ये सारे चीज मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, अभी वो उनको कोई भगाए नहीं, अपने मन से गए तो आना भी उनको अपने मन से चाहिए, ठीक है, कोई उनको रोकेगा तब फिर उस पर बात विवाद हो सकता है, बाकी वो गए तो फिर आ जाए तो उसको कोई रोकेगा तब ना। अच्छा चलिए, गणपति पूजा की तैयारी कैसे चल रही है? बस गणपति पूजा का आप देख ही रहे हैं कि तैयारी, अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होगा, और हर साल में गणपति पापा को मुंबई में हमेशा पूजा, हर साल घर पे 5 दिन का गणपति पूजा हमें हमेशा करते आया हूँ, लेकिन इस बार मुंबई में और पूरे देश में कोरोना को लेकर हम लोग पूरे परिवार बिहार में हैं, तो हम चाहें कि इस बार गणपति पापा को बिहार में ही भव्य लेवल पर पूजा हो,
और नैया पे इस बार गणपति पापा को, इस बार नाव पर सवार हो गए गणपति पापा आपके चुनावी नाव पर। हाँ, तो नाव पे हम गणपति पापा को बैठा दिए हैं, अभी गणपति पापा के साथ साथ हम लोग भी पार लगेंगे, यही एक कॉन्सेप्ट है। तो चुनाव का कॉन्सेप्ट यही है कि चुनाव में गणपति को नाव पर बैठा दिया। हाँ, बैठा दिए हैं, तो अभी गणपति जब जिस नाव पे बैठे हैं उस नाव भला उसको कुछ कोई हिला सकता है क्या, तो इसलिए हम भी पार लग जाएंगे और गणपति जी भी पार लगेंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरह से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट, ये हमारे चुनाव चिन्ह है। तो मुकेश साहनी का चुनाव चिन्ह है नाव और गणपति बप्पा की पूजा का समारोह का तैयारी चल रहा है। देखिए, नाव पर ही गणपति बाबा की स्थापना की जा रही है, यानी गणपति बाबा के जरिए सहारे ये नाव पार होगी, तो मुकेश साहनी और उनकी पार्टी भी इसी नाव से पार हो जाएगी चुनावी समर, ये कंसेप्ट है। देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी अभी चल रही है, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, थोड़ी देर में बहुत लोग आ जाएंगे। ये मुकेश साहनी के पार्टी का दफ्तर है और बड़ा ही तलीके से दफ्तर को सजाया संवारा गया है, लगता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं है, किसी कारपोरेट घराने का दफ्तर है। आप देखिए, यहाँ कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर देखिए मंच है जहाँ से मुकेश साहनी डिजिटल रैली करते हैं इसी मंच से, और इधर दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा मैं जहाँ पर मुकेश साहनी का वार रूम बन रहा है। जी हाँ, ये वार रूम होगा। देखिए, हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग सोशल मीडिया देखने वाले होंगे, तो सोशल मीडिया की टीम इस वार रूम में काम करेगी, यानी 100 से ज़्यादा लोग मुकेश साहनी के पार्टी के लिए सोशल मीडिया में काम करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए अपने पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। तो इस तरह से डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल शायद बीजेपी ही करती होगी और कोई पार्टी नहीं करती होगी। तो जिस डिजिटल मीडिया को माध्यम बनाने का विरोध कर रहे थे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उसी डिजिटल मीडिया को सबसे बड़ा सहारा बना लिया है, बड़ा जरिया बना लिया है सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी ने। तो आप देख रहे हैं कि सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी के दफ्तर की ये तस्वीर है, विकासशील इंसान पार्टी, और इसी मन से वो डिजिटल रैलियाँ करते हैं, और इसी दफ्तर में एक अलग वार रूम बनाया गया है जिसमें 100 लोग बैठकर एक साथ लैपटॉप पर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो ये वार रूम है, इस तरह का वार रूम शायद ही किसी पार्टी का होगा, बिहार में तो नहीं है। आप देखिए, हर जगह वार रूम को सजाया गया है चुनावी नारों के जरिए, भयमुक्त समाज, प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, नामुमकिन को मुमकिन करेंगे, समाज हित, राज्य हित, चट्टानी एकता बुलंद बुनियाद, सबको शिक्षा सबको काम, बिहार होगा औद्योगिकरण का धाम, अब की बारी नाव की सवारी, दूर होगी बेरोजगारी। तो तमाम तरह के स्लोगन्स दिए गए हैं, चुनावी स्लोगन्स दिए गए हैं। तो ये है वीआईपी पार्टी का वार रूम जहां पर 100 से ज़्यादा युवाओं की टोली बैठेगी जो डिजिटल मीडिया की एक्सपर्ट होगी, उसको एक्सपर्टीज होगा डिजिटल मीडिया के बारे में, और हर उम्मीदवार का चुनावी कैंपेन डिजिटल माध्यम से यहीं से चलेगा, इसी वार रूम से, और यहीं से चुनाव को कंट्रोल करेंगे मुकेश साहनी। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में कोई रैली नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, केवल 5-5 लोगों की टीम डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है। ऐसे में सबके घर तक पहुँचने, सबके जहन और दिमाग तक पहुँचने के लिए डिजिटल माध्यम ही सबसे बड़ा जरिया है, और मुकेश साहनी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है डिजिटल माध्यम को चुनाव में इस्तेमाल के मायने में। देखिए किस तरह से डिजिटल वार रूम बनाया गया है, चुनावी वार रूम बनाया गया है, और इसमें सैकड़ों लोगों के बैठने और काम करने की व्यवस्था की गई है।